हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 102वां सालाना उर्स का आगाज़ आज सोमवार को सुबह 9 बजे अमीर शरीयत मुफ्ती अब्दुल कदीर की अध्यक्षता में एवं विश्व प्रख्यात मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद हाशमी मियाँ की प्रमुख उपस्थिति में परंपरागत तरीके से पंचम राजे रघुजी भोसले के हाथों परचम कुशाई से किया गया। इस समय बड़ी संख्या में जायरीन मौजूद थे। गौरतलब है कि आज ईशा की नमाज के बाद मिलाद शरीफ का आयोजन होगा और पश्चात मौलाना हाशमी मियाँ की तकरीर होगी। वहीं सालाना उर्स के अवसर पर हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की ओर से विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसका आगाज आज सुबह परचम कुशाही की परंपरागत रीति से हुआ। सालाना उर्स में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु ताजाबाद पहुँचते हैं। इसे देखते हुए ट्रस्ट ने करीब 15 लाख लोगों के लिए लंगर भोजन की व्यवस्था की है। इसमें कई धार्मिक तंजीमों और दरगाहों की ओर से भी लंगर वितरित किया जाएगा। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे जिया खान एवं सचिव ताज अहमद राजा ने कहा कि उर्स की तैयारी पूर्ण की जा चुकी है। ताजाबाद में भव्य शामियाना लगाया गया है। श्रद्धालुओं के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। साथ ही जिला प्रशासन, मनपा, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से भी आवश्यक सुविधाएं की गई है। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जिस्कार, सदस्य हाजी फारूक बावला, गजेंद्र पाल सिंह लोहिया, मुस्तफा भाई टोपीवाला, हाजी इमरान खान ताजी आदि ने सभी श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में उर्स में शामिल होने का आह्वान किया है, जहां बड़ी संख्या में मौजूद जायरीन और अकीदमंदों ने बाबा जान का जय घोष लगाया और ताजाबाद का वातावरण बाबा की रहमतों से भर गया। ज्ञात हो कि हर साल बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है, जहां देश विदेश से जायरीन शिरकत करते हैं और बाबा की रहमतों का भागी बनते हैं। बाबा ताजुद्दीन की यहाँ पे 102वीं जो है उर्स यहाँ पे होने जा रहा है और इसके लिए जो है माननीय सीपी सर के निर्देश में जो बंदोबस्त लगवाया गया है, बहुत सारा बंदोबस्त यहाँ पे करवाया है। आज जो मेन प्रोग्राम था परचम का, इसके लिए हमने व्यवस्था की थी। हमारे वो पुलिस ऑफिसर है, SRPF है, RCP है और हमने बंदोबस्त इस टाइप से लगा रहे हैं कि कुछ जो भी यहाँ पे भक्तगण आ रहे हैं उनको कहीं से कोई तकलीफ ना हो, इसलिए पुलिस जो है अपना बंदोबस्त कर रही है। एडिशनल सीपी सर की जो मार्गदर्शन में जो है अभी 4 ACP है, 12 PI है और करीबन 500-600 जो स्टाफ है और बिसाइड्स वो जो SRPF, RCP इस टाइप का बड़ा बंदोबस्त यहाँ पे लगवाया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ के प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, यहाँ के हमारे पुलिस कमिश्नर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, NMC कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, NIT चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की। यहाँ तकरीबन इस बार ऐसा हुआ, पिछली बार थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन आज इस बार पुलिस की सहायता से, यानी कोई अनहोनी नहीं, क्योंकि इतना बारिश गिर रहा था और लोग लाखों की तादाद में हैं, तो इस बार पुलिस का जो है सबसे ज़्यादा कोऑपरेट पुलिस का रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे शहनशाह हफ्ते अकलीम हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ट्रस्ट की जानिब से आने वाले सभी श्रद्धालु जायरीनों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेंगड़े, BCN न्यूज़, नागपुर।